आप सभी का मैं स्नेह मैनेजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे अतिथियों को बताना चाहता हूं कि स्नेह जिसने 2009 में अपना सफर शुरू किया, आज 15 वर्षों बाद 167 बच्चों के साथ और 40 स्टाफ के साथ हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं। स्नेह न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में अपने कार्यों के लिए जाना जाने लगा है और निश्चित रूप से लायंस इंटरनेशनल इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका हमने अदा की। स्नेह में हम कई सारी चीजों को करते हैं, राइट फ्रॉम द अर्ली इंटरवेंशन, 0 से 6 साल के बच्चों का शीघ्र हस्तक्षेप ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके बाद उनकी विभिन्न प्रकार की थेरेपियां, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एडवोकेसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन, ये सारे हमारे वो प्रोग्राम्स हैं जो हम लगातार करते हैं। यहाँ जितने अभिभावक बैठे हैं शायद वो इस बात से सहमत होंगे कि इस छोटे से शहर में स्नेह के आने के बाद दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास की दिशा में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में नहीं होते हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले हमने आपको वो क्लिपिंग्स भी दिखाई कि किस तरह हमारे बच्चों ने मुंबई के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में जाकर किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया और पुरस्कार जीते। निश्चित रूप से ये आप सब लोगों के सहयोग, समर्पण और बहुत सारी चीजों का समावेश है जिसमें हमारी टीम लगातार काम करती है। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, हमारे बच्चों ने इस साल 50,000 दिए, कलात्मक दिए बनाए हैं और वो कलात्मक दिए पूरे देश के कोने कोने में गए। इस मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, सभी एसपी, जिला पंचायत सीईओ, प्रमुख सचिव, इस देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति से लेकर वो सारे लोग जिन तक हम पहुंचा सकते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, उन सबको ये दिए हमने भेजे हैं। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि ये दिए न केवल भारत में अपितु हमने भारत के बाहर भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, हम सब जगह भेजते हैं ताकि हमारी बच्चों की प्रतिभा का पता चले। मैं उन सब लोगों का जो हमसे ये दीपक लेकर हमें इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने में मदद करते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद भी अदा करना चाहूंगा। वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार, कई कारपोरेट्स हैं जो हमसे इन दीपक को खरीद कर हमें उसका पैसा देते हैं। और मुझे ये बताते हुए आपसे खुशी है कि इस वर्ष उन दीपकों के माध्यम से जो हमारा शुद्ध लाभ हुआ है वो लगभग 2.5 लाख रुपए का हुआ और उस 2.5 लाख रुपए से ही आज हमारे ये 167 बच्चे और उनके जो प्रशिक्षक है 40, उनको दिवाली के अवसर पर नए कपड़े, मिठाई, पटाखे, दिए और बोनस, उसका वितरण हम हमारे अतिथियों के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमारे इतने सारे अभिभावक आज मौजूद हैं, आप लोगों को भी एक विशेष बात से अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एक सामान्य बच्चा किसी सामान्य स्कूल में जाता है तो या तो वह एमपी बोर्ड की पढ़ाई करता है या सीबीएसई की करता है या आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई करता है, लेकिन जब ये बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हमारे जैसे स्पेशल स्कूल में आते हैं तो इनके लिए सरकार की ओर से कोई स्टैंडर्ड, न तो कोई बोर्ड है, न कोई करिकुलम है। कल मैं दिल्ली में राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति जो कैबिनेट में आने वाली है उसको फाइनलाइज करने की हमारी मीटिंग थी और हमने मुंबई की एक बहुत पुरानी संस्था के माध्यम से हमारे स्कूल में एक यूनिफॉर्म करिकुलम, क्योंकि न तो इन बच्चों की कोई बुक्स होती है, जब स्पेशल टीचर होता है वो अपने हिसाब से असेसमेंट करता है एक और उसके हिसाब से उसका गोल सेट करके उसको इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाता है। कल इस मुद्दे को हमने उस राष्ट्रीय नीति की बैठक में उठाया और मुझे खुशी है कि उसको उस राष्ट्रीय नीति में शामिल कर लिया है। ये
पहली बार इस प्रकार की ये बुक्स आप सबको आपके बच्चों के लिए, ये सारी बुक्स हमने यहाँ जय वकील के माध्यम से आपके बच्चों के लिए तैयार कराई है। इसमें हर बच्चे का ऑनलाइन 200 पैरामीटर्स पे हम असेसमेंट करते हैं, बड़े बच्चों का 250 पैरामीटर पे असेसमेंट होता है और उसके हिसाब से उसके गोल सेट करके उसे क्या करवाना है, वो लाइफ में क्या कर सकता है। क्योंकि हम जब अपना बायोडेटा बनाते हैं तो हम तो लिख देते हैं हमने इंजीनियरिंग किया है, हमने मेडिकल किया है, लेकिन ये हमारे बच्चे क्या लिखे, इनको किस प्रकार से नौकरियां मिले, इस बात पे कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई और उस पॉइंट को उस दिव्यांगजन राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति में यूनिफॉर्म करिकुलम पूरे देश के लिए करने के लिए सहमति बनी और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने उसके लिए पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 98 करोड़ रुपए की लागत से करने का अप्रूवल भी कर दिया। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत इस पूरे क्योंकि पूरे देश में लगभग 1.5 करोड़ बौद्धिक दिव्यांग है और उन 1.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है। इस दिवाली पर हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय भी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे वो सब साथी जो हमको लगातार सहयोग करते हैं उनको, हमारे लायंस इंटरनेशनल, हमारे अतिथियों का, आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सबके जीवन में खूब उजाला हो, खूब खुशियां हो, आप सब लोग खूब आगे बढ़े और हमको लगातार ऐसा ही सहयोग और समर्थन स्नेह को मिलता रहे ताकि इन बच्चों के जीवन में हम लगातार खुशियां लाते रहें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जय हिंद, जय।